केदारनाथ जाने के लिए आप सबसे पहले अपने शहर से बस या ट्रेन पकड़कर आ जाएं ऋषिकेश। अगर आप ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे आए हैं तो वहां से आपको रिक्शा पकड़कर पहुंच जाना है ऋषिकेश बस स्टैंड पर। फिर आपको बस लेनी है सोनप्रयाग के लिए, जो कि बस स्टैंड के बाहर से प्राइवेट बस आपको मिल जाएगी 500 में और बस स्टैंड के अंदर से आपको मिलेगी सरकारी बस 580 रुपये में। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि सरकारी बस प्राइवेट बस से महंगी क्यों है। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको यहाँ से सुमो भी मिल जाएगी जो 600 से 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करेगी। और ऋषिकेश बस स्टैंड से आपको बाइक्स भी मिल जाएंगी रेंटल के लिए, मगर हम लोग बाइक रिकमेंड नहीं करते क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि तेज बारिश आने पर यहाँ पर बाइक पे होना सेफ नहीं है और हो सकता है कि आप किसी ऐसे एरिया में फंस जाएं जहां पर के इंसानी आबादी नहीं है, वहां पे आपको काफी मुश्किल हो सकती है। मैंने जब सरकारी बस की टिकट कटा ली, मुझे उसके बाद में पता चला कि जो प्राइवेट बसेस हैं वो सस्ते में जाती हैं। ये जो आपको नीली वाली बस नजर आ रही है ये सरकारी बस है, इसी से मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग। आप ऋषिकेश बस स्टैंड से ही रेनकोट ले लें जो कि आपको यहाँ पे सस्ता मिलेगा। आपको यहाँ से 30 से 50 रुपए में रेनकोट मिल जाएगा और मोबाइल कवर भी इतने में मिल जाएगा, मगर मुझे मोबाइल कवर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरा फोन वाटरप्रूफ है। अगर आप मोबाइल कवर का फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपने साथ एक पॉलीथिन कैरी कर लें, आपको मोबाइल कवर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान की जय। इसके बाद बस चल पड़ी और मेरा सफर शुरू हो गया। ये सफर नजारों से भरा हुआ है और विंडो सीट रिकमेंडेड है। फिर ये बस देवप्रयाग के पास एक ढाबे पे रुकी जहां पर के मैंने खाना खा के अपने पेट को तृप्त कर दिया। ये 120 रुपए की थाली थी जिसमें के कड़ी भिंडी और दाल थी। दाल भिंडी और कड़ी अपनी थाली में रिफिल करवा सकते हैं तो मैंने इस बात का काफी फायदा उठाया। इसके बाद फिर से ये बस चल पड़ी। रास्ते में ही अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं, जहां पर के बस वाले भैया ने बस नहीं रोकी। अब मुझे समझ आया कि लोग सोनप्रयाग सुमो में क्यों जाते हैं। अरे बस वाले भैया ने तो मुझे 2 किलोमीटर पहले सीतापुर में उतार दिया। तब मुझे पता चला कि कोई भी बस सोनप्रयाग नहीं जाती और सीतापुर में ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है केदारनाथ यात्रा के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ से आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि सकता है कि सीजन के दिनों में यहां पर आपको घंटों सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ही इस लाइन में खड़े होना पड़े। अगर आपने अभी तक रेनकोट नहीं खरीदा तो रेनकोट जरूर खरीद लें क्योंकि सोनप्रयाग के बाद चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी और रेट डबल होने शुरू हो जाएंगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद हम उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से कि हमें सुमो मिलेगी 50 रुपए में जाने के लिए गोरीकुंड। गोरीकुंड से ही केदारनाथ ट्रैक शुरू होता है। हम गोरीकुंड अंधेरा होने पर पहुंचे थे, फिर हमने गोरीकुंड में ही रूम लेकर स्टे कर लिया। गोरीकुंड में जो रूम थे वो बहुत ज्यादा बेकार थे और बहुत महंगे थे। गोरीकुंड में आपको सस्ते कमरे अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप सस्ते में अच्छे कमरे जाते हैं तो आप सोनप्रयाग में ही रात को रुक जाएं। रास्ते में एक मैंने दुकान देखी जहां पे कि मुझे एक बहुत ही अलग चीज नजर आई। मुझे समझ नहीं आया ये है क्या, तो मैंने दुकानदार से पूछा, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। काफी पूछने पे भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे आपको ये छत नजर आ रही है, ये रेन शेल्टर है। ऐसे रेन शेल्टर आपको आपके पूरे रास्ते में मिलते रहेंगे। सोनप्रयाग से 500 मीटर ऊपर ही जगह है घोड़ा पड़ाव, जहां पर के घोड़े सस्ते मिल जाते हैं। इस यात्रा के लिए सबसे बेस्ट साधन मैं चलना ही समझता हूं। एक बात आपको बता देता हूं कि घोड़े से सस्ता हेलीकॉप्टर पड़ता है, मगर उसके लिए आपको महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन। ऐसे नेचुरल पानी के सोर्सेज आपको पूरे रास्ते में मिलते रहेंगे जहां पे कि आप अपनी बोतल रिफिल कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स इस ट्रैक पर बहुत महंगी हैं। इस ट्रैक पर सब कुछ खच्चरों पर लादकर ही लेके आया जाता है, इसीलिए इस ट्रैक पर सब कुछ महंगा है। इस ट्रैक पर चलने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ है चलने के लिए, मगर बीच में हल्के हल्के से गड्ढे आते हैं। इस ट्रैक पर नॉर्मल ग्रिप वाले जूते भी चल जाएंगे। ट्रैकिंग शूज की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पर मिट्टी भरे रास्ते हों, कच्चे रास्ते हों, या चलने के लिए बर्फ हो। इस ट्रैक पर बारिश काफी होती है और कभी भी हो जाती है, इसलिए मैं आपको वाटरप्रूफ शूज की रिकमेंडेशन करूंगा। और यहाँ पर ठंड भी कभी भी हो जाती है, मगर इस ट्रैक पर मैंने काफी सारे लोगों को नंगे पांव भी देखा है। इस रास्ते पर बहुत सारे नेचुरल और सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। यहाँ पे पहाड़ों पे मैंने एक बहुत ही अलग सी ड्रिंक देखी, मैंने सोचा ट्राई किया जाए। इसका नाम है बुरांश, जिसका रस के एक फूल से निकाला जाता है और ये देखने में रूह अफजा जैसी दिखती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रूह अफजा जैसा ही है। गोरीकुंड से 5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ये पोस्टर देखा, श्री केदारनाथ 17 किलोमीटर। मगर जब मैंने ये ट्रैक शुरू किया था तब एंट्री गेट पर इस ट्रैक का टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर लिखा था। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही जगह आती है रामबाड़ा। असल कन्फ्यूजन वहीं से है। 2013 में केदारनाथ में जो घटना घटी थी उस वजह से रामबाड़ा के आगे का सारा रास्ता बह गया था, फिर उस रास्ते को दोबारा से बनाया गया। लोकल लोगों के हिसाब से ये रास्ता जो है वो 23 किलोमीटर का है, मगर टूरिस्ट के हिसाब से ये रास्ता 26 किलोमीटर का है। इस पूरे ट्रैक पर कच्चा रास्ता सिर्फ आपको तभी मिलेगा अगर आप शॉर्टकट लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट नहीं लेते हैं तो आपको रास्ता बिल्कुल पक्का मिलेगा। पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं जो कि आपको पूरे रास्ते में मिलते रहेंगे।
अप्रोक्सीमेट 18 से 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको ऐसे बर्फ के नजारे नजर आने शुरू हो जाएंगे और आपको बर्फ जगह जगह पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। और मंदिर से बिल्कुल 2 किलोमीटर पहले बेस कैंप है जहाँ पर के मैं एक टेंट लेके रुक गया। टेंट मुझे सिर्फ 300 रुपए में मिला और इस ट्रैक पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लोग मिले, जैसे ये लोग साइकिल लेके जा रहे हैं केदारनाथ तक। इन अंकल को एक घोड़े ने अपनी पीठ से गिरा दिया, उसके बाद ये पिट्ठू अंकल को अपनी पीठ पे उठा के लेके जा रहा है ऊपर केदारनाथ मंदिर तक। ये पहाड़ी लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोगों को बग्गी में ऊपर और नीचे लेके जाते हैं दोनों तरफ। ये साधु महाराज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो शिवलिंग को उठा के लेके जा रहे हैं पैदल ही हरिद्वार। बेस कैंप में 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे नजर आई ये सीढ़ियां और यहाँ से नजर आ रहा है श्री केदारनाथ मंदिर। और यहाँ जगह जगह पे छोटी छोटी ऐसी दुकानें आपको नजर आ जाएंगी जहाँ से कि आप अपने घर के लिए यादगारें खरीद सकते हैं। और फिर मुझे कुछ आगे लाइन नजर आ रही थी तो मैं बढ़ चला मंदिर की ओर। और फिर आगे आ गया ये वेरिफिकेशन काउंटर जहाँ से मैं अपना रजिस्ट्रेशन दिखाकर बढ़ गया आगे मंदिर की ओर। इसके बाद मैं आ गया मंदिर के बिल्कुल आगे, मगर अंदर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए मैं लाइन में लग गया। लाइन के साथ साथ में प्रसाद की इतनी दुकानें हैं और ये प्रसाद वाले भाई साहब सब लोग टीका भी लगाते हैं, आप चाहें तो इनसे टीका भी लगवा सकते हैं और प्रसाद चाहें प्रसाद भी ले सकते हैं। और फिर मैं पहुंच गया मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इस मंदिर को बनाया था पांचों पांडवों ने। मंदिर अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत था मगर लोग बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करते हैं। क्या भगवान तक पहुंचने के लिए दूसरों को धक्के मारना उचित है? पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं आ गया मंदिर के बाहर जहां पर कि मैंने इन साधु बाबाओं से इनका आशीर्वाद मांगा। और फिर मैंने बाहर आकर इस भीमशिला के दर्शन किए। कहते हैं कि 2013 की आपदा में ये भीमशिला मंदिर के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई थी जिसने के मंदिर को पानी से बचा लिया। श्री केदारनाथ यात्रा के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।